जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो सोलर पैनल वाली प्रियस के नाम है, और मैं इसका प्रियस का वैसे मैं पहले भी कर चुका हूँ रिव्यू, बट ये आम प्रियस नहीं है, ये सोलर पैनल वाली प्रियस है और ये बहुत रेयर है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जिन प्यारे भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और लाजमी कमेंट करें ताकि मैं आपकी राय का पता चले। ये प्रियस जो हमारे सामने का टी स्पिरिट है, टी स्पिरिट जो होती है वो टॉप ऑफ द लाइन होती है और ये सोलर पैनल वाली प्रियस होती है। इसके बारे में एक और बात बता दूँ, ये पाकिस्तान में काफ़ी रेयर हैं, ये 3 से 4 गाड़ियाँ होंगी टोटल इस शेप में, नई शेप क्योंकि बहुत महंगी है अभी तक, तो किसने दूसरी बहुत कम आपको नज़र आती है सोलर पैनल में, तो आप कह दें कि शायद कोई रेयर ही बंदा हो जिसने मंगवाई हो। गाड़ी की शेप, गाड़ी की लुक, गाड़ी की खूबसूरती, गाड़ी की ब्यूटी, और गाड़ी फुल ऑफ मॉडर्न गैजेट्स है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, और जो चीज़ें आजकल चल रही हैं गाड़ी में हैं लाजमी हैं और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन एक आम बंदे की इस गाड़ी में ऐसे वो एसेसरीज़ हैं कि एक आम बंदा सोच नहीं सकता उनके बारे में कि यार ये होती हो सकती हैं गाड़ी में। और ये यूके मॉडल है, ये जैपनीज़ नहीं है। यूके मॉडल में देखा जाए तो इसमें प्रियस में देखा जाए तो टी स्पिरिट टॉप ऑफ द लाइन है, इसके बाद टी फोर होती है वो सनरूफ वाली प्रियस होती है। प्रियस में देखा जाए तो एल, इसमें जो जैपनीज़ में अगर देखा जाए तो एल वाली जो होती है सबसे लो होती है, फिर एस होती है, फिर जी होती है, उसमें फिर जी टोरिंग आ जाती है। जहाँ तक एसेसरीज़ का ताल्लुक है और गाड़ी के इंटीरियर का ताल्लुक है तो गाड़ी फुल ऑफ एसेसरीज़ है, फुली लोडेड है, और मेरा ख्याल है प्रियस में इससे ज़्यादा ऑप्शन किसी गाड़ी में नहीं होते। नई शेप में भी इसके ऐसे मिलते जुलते ऑप्शन है बट उसमें काफ़ी चीज़ें एडवांस हैं। अब ऑप्शंस में कहाँ से शुरू हूँ, कहाँ से ख़त्म हूँ, इट्स फुल ऑफ एसेसरीज़, फुल ऑफ ऑप्शंस। आप देख सकते हैं मल्टी स्टेयरिंग गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, इसकी बटन की क्वालिटी और आप लोकल जो हमारे गाड़ियाँ हैं उनके बटन की क्वालिटी देखें आपको पता चलता है। फिर स्टेयरिंग, इसमें स्टिचिंग जो हुई है आप देखें, उसकी सॉफ्टनेस देखें, पता चलता है एक अच्छी गाड़ी है, एक अच्छी चीज़ में बैठे हुए हैं। अब इस गाड़ी में चूँकि सोलर पैनल है, सोलर पैनल में ये होता है कि गाड़ी सोलर पैनल की एनर्जी से चलती नहीं है। इसमें ये होता है कि चाबी में, मैं आपको चाबी दिखाता हूँ अभी, चाबी में एसी का बटन है, अगर गाड़ी आपकी खड़ी है आप उसको स्टार्ट करके एसी चला सकते हैं और वो जो उसकी पावर है वो सोलर पैनल से वो ले ली जाएगी, बैटरी से भी नहीं। जहाँ तक गाड़ी के एलसीडी की बात की जाए तो एलसीडी वाकई इतना इसमें कहें इतने ऑप्शंस हैं, आप सिर्फ यही देख लें, आप मतलब ईच एंड एवरी थिंग है इस गाड़ी में, जस्ट आपने स्लाइड से टच किया, इतने ऑप्शंस हैं कि आपको ऑप्शन समझने के लिए भी आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। अब हर चीज़ है गाड़ी का सेटअप, गाड़ी में क्या व्हील, मतलब हर चीज़ है गाड़ी का, एयर फिल्टर कब चेंज करना है, गाड़ी का ऑयल फिल्टर कब, आपके टायर कितना चल जाएंगे, ईच एंड एवरी थिंग है, मतलब इतने ऑप्शन, इस फुली लोडेड गाड़ी है और हर चीज़ है गाड़ी में, आप देख सकते हैं कि आपको पता चल रहा है। हम मेंटेनेंस में आप चले जाएँ, ईच ये देखें हर चीज़ है, इंजन ऑयल का है ये आपको ये बता देगा, इंजन ऑयल कितना रह गया है भाई, ये रह गया है, ये आप कोई उसमें वैगन आर की जहालत में नहीं बैठे हुए, आप ये देखें सही, ये देखें ये क्या नज़र आ रहा है, इसी को बैक करें, ये देखें ऑयल फिल्टर ये देखें, ओ भाई कितना चल जाएगा, ये चीज़ें दुनिया इधर जा रही है, ये देख लो भाइयों, ये देख लो। और एक बात बता दूँ, इसमें जो जो रेड नज़र आ रहा है आपको, जो चीज़ रेड नज़र आ रही है वो चीज़ उसका काम होने वाला है, उसका काम होने वाला है भाइयों, होने वाला है, एयर फिल्टर बदलने वाला है, जो आप इसमें वाइपर का देख सकते हैं, वाइपर की क्या पोजीशन है, हर चीज़ है, आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, हर कुछ है, ब्रेक ऑयल कितना चल जाएगा, हर चीज़ की सेटिंग है, फिल्टर, मतलब आप देखें उनकी क्या सोच है, वो लोग क्या सोचते हैं और हमारे यहाँ क्या जहालत। मैं मैनुअल गियर पे जी, मैनुअल गियर जी, गाड़ी लॉन्च हो रही है मैनुअल गियर के साथ, ओ भाई दुनिया इधर जा रही है, आप जहालत बेच रहे हो, इतना कुछ है गाड़ी में, ईच एंड एवरी थिंग, सर्विस का किया आपने जस्ट, हर चीज़ आपको बता देगा आपकी सर्विस कब होने वाली है, गाड़ी की सर्विस, मतलब हर देखिए आप, इतना कुछ है, मैं क्या बताऊँ, इतना कुछ है, ब्रेक पैड का पता चल जाएगा आपको, कितना इसका रिमेनिंग कितना देख लें आप, कितना चल जाएगा, यही चीज़ें इन्हीं के लिए मैं कहता हूँ, इन्हीं के लिए मैं रोता हूँ, हमारी लोकल गाड़ियों में हो, बैटरी देख सकते हैं बैटरी तक का आ रहा है, हर चीज़ है गाड़ी में, मैं क्या बताऊँ इसके ऑप्शंस के बारे में। नीचे आते हैं, नीचे काफ़ी लोग पूछते हैं गाड़ी भागती नहीं, भाई भगानी है, आप पावर मोड लगाएं, गाड़ी इतना भागती है, इतना उठती है, इको मोड पे फ्यूल सेविंग है, ईवी मोड पे ये बैटरी पे चलती है, बाकी सेम है जैसे दूसरी प्रियस में होता है, सारा कुछ वही है, बट मैंने बताया ये गाड़ी काफ़ी चेंज है, फिर ब्लूटूथ इनके बटन का फ़र्क आ जाता है, थोड़ा एसेसरीज़ का फ़र्क है गाड़ी में। जहाँ तक ड्राइव का ताल्लुक है तो गाड़ी ड्राइव में भी इतनी सॉफ्ट है और इतनी स्मूथ इसकी कटिंग है,
और मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है गाड़ी में। काफ़ी लोग आपके बारे में, आप इस गाड़ी के बारे में कहेंगे कि इसमें काम निकलते हैं, वो काम निकलते हैं, बट बिलीव मी ऐसा कोई इशू नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस गाड़ी के बारे में जो लगती है वो हेड ऑफ डिस्प्ले है। ये देख रहे हैं आप, ये शीशे पे नंबर शो हो रहे हैं भाई, शीशे पे नंबर शो हो रहे हैं, ये देख रहे हैं। मतलब वो लोग क्या सोचते हैं और हम लोग क्या सोचते हैं, आप देखें उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है। देखिए गाड़ी चल रही है, नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ये देख रहे हैं स्पीड के नंबर हैं, ये बेसिकली कितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही है। मतलब उनकी क्या थिंकिंग है और हम लोग क्या सोचते हैं। हमारे इधर ऑप्शन निकाले जाते हैं और वो लोग देखें कि ऑप्शंस डालते हैं, और ये भी 2010 मॉडल है, ये अब के ऑप्शंस नहीं है। अब तो गूगल से चल रही हैं गाड़ियाँ, अब तो मतलब प्लग इन हाइब्रिड, अब तो फ्लाइंग कार्स की तरफ दुनिया जा रही है, और हमारे इधर पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं, समझ से बात बाहर है। और गाड़ी ड्राइव वाइज बहुत स्मूथ है, सॉफ्ट है, एक नॉर्मल प्रियस से काफ़ी बेहतर है। और मैं ये भी बता दूं, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सोलर पैनल वाली जो प्रियस है उसमें क्या वो सोलर पैनल की एनर्जी से चलती है, इस तरह की कोई बात नहीं है। एक्चुअली इसका जो मेन पर्पस सोलर पैनल का होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, सोलर पैनल का इसमें एक तो एसी का होता है कि एसी जब आप गर्मी आओ ख़ास तौर पे, आप बाहर से ही गाड़ी स्टार्ट करके, रिमोट से स्टार्ट करके एसी उसमें चला सकते हैं। जहाँ तक प्राइस, पार्ट्स और रीसेल का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल है ये इसके बारे में किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। ये सबसे फास्ट सेलिंग जो जैपनीज़ में अगर देखा जाए या दूसरी भी किसी गाड़ी में, इम्पोर्टेड गाड़ी में देखा जाए, तो फास्ट सेलिंग आइटम है। और ये प्रियस मशहूर भी इस वजह से हुई थी क्योंकि इसकी फ्यूल एवरेज अच्छी है, पार्ट्स हर जगह से अवेलेबल हैं, कोई मसला नहीं। बड़े शहरों से तो आपको हर चीज़ इसकी मिल जाती है, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर का कोई मसला नहीं होता। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जो लोग ये गाड़ियाँ रखते हैं वो हाई ऑक्टेन का लाजमी यूज़ करें, क्योंकि अगर आप गंदा ऑयल यूज़ करेंगे गाड़ी में, कैट का मसला और भी काफ़ी किस्म के मिसिंग के मसले आ जाएंगे। बाकी रीसेल का ताल्लुक है, तो गाड़ी आप कह लें ये हॉट केक है, जैपनीज कार में, बड़ी गाड़ी में ये हाथों हाथ बिकती है। प्रियस में कभी रीसेल का इशू नहीं हुआ, और ये कि जब नहीं आई थी तब लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, लोग इसके बारे में जानना चाहते थे कि इसकी बैटरी, फ्यूल एवरेज, बट अब इस पर काफ़ी ट्रस्ट है और लोग ले रहे हैं ये गाड़ी। जहाँ तक लेग स्पेस का ताल्लुक है, तो गाड़ी में अच्छी खासी ह्यूज लेग स्पेस है, और आप देख सकते हैं मैं खुला डुला होकर बैठा हुआ हूँ। गाड़ी की वाकई लुक, गाड़ी की खूबसूरती, गाड़ी की ब्यूटी, गाड़ी में सनरूफ भी है, सोलर पैनल भी है, सनरूफ की ओपनिंग इसमें बहुत अच्छी है और काफ़ी खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं आपके सामने ये चीज़ें, यही चीज़ें हैं भैया, यही चीज़ें हैं जो मैं कहता हूँ। और सोलर पैनल का अगर आप देखें तो ये नीचे आ गया है, सोलर पैनल का अलग है, सनरूफ अलग है, सनरूफ भी गाड़ी में, सोलर पैनल का भी है सिस्टम। फिर गाड़ी में एक ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है सोलर पैनल से कंट्रोल होता है। ये ऑप्शन का मतलब ये होता है कि गाड़ी खड़ी है तो आपकी खड़ी गाड़ी में भाई वेंटिलेशन होती रहेगी। फिर लाइट की एडजस्टमेंट है, मिरर की है, और मैं बता दूँ इसमें नीचे भी एक एयर बैग है, आपको नज़र आ रहा होगा नीचे भी इसमें ऐसा आ रहा है एयर बैग लिखा हुआ है, थोड़ा अभी शायद डिम है, आपको मैं दिखा ना सकूँ। फिर ऑटो पार्किंग है गाड़ी में, ये देख रहे हैं लोकल गाड़ी की जहालत से निजात, ऑटो पार्किंग देख रहे हैं, ऑटो पार्किंग का बटन है। आप देखें क्या क्या उनकी सोच क्या है गाड़ी में। फिर ये भाई ये गियर, ये देखें अब ये चीज़ें चल रही हैं, अब ये चीज़ें चल रही हैं भाई, ये चीज़ें मैनुअल गियर नहीं कहीं भी चल रहा। इस गाड़ी में इस टाइम 8 स्पीकर हैं 8 स्पीकर, और इसके साउंड बहुत अच्छा है, और सराउंड साउंड है इसमें, साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है गाड़ी का। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी के बारे में, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये देख रहे हैं स्क्रीन पे भाई नंबर शो हो रहे हैं, ये देख रहे हैं ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये आपके सामने है, ये मैं कुछ नहीं कर रहा, ये स्क्रीन पे है, ये जस्ट आपने ये यहाँ से बटन दबाया, ये नॉर्मल प्रियस में नहीं होता, ये इसमें है, ये देख रहे हैं ये ऑफ हो गया, ये इसको ये देख रहे हैं अब स्क्रीन पे कुछ नहीं है, स्क्रीन पे कुछ नहीं है। और अब आप देख रहे हैं ये ऑन हो गया, स्क्रीन पे आपको मीटर शो हो रहा है, देख रहे हैं आपको मीटर शो हो रहा है, और अब नेविगेशन का भी साथ में आपको शो हो रहा है। यही है, यही यही चीज़ें जिनके लिए मैं कहता हूँ लोकल गाड़ी की जहालत से निजात है। और देखें आप कितनी खूबसूरती गाड़ी में, ये देखें मैंने जस्ट मल्टी स्टेयरिंग के इस बटन को पुश किया है, स्क्रीन में साथ ही आ जाता है, ये जस्ट मैंने पुश किया, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। मतलब वो लोग क्या सोचते हैं, हमारे इधर क्या है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, इसके शीशों में भी देखा जाए जिनकी नज़र कमज़ोर है उनके लिए ऑप्शन है, साइड पे कट है, और मतलब इतने ह्यूज एक्सेसरीज, ह्यूज ऑप्शंस, क्रूज, हर चीज़ है गाड़ी में, हर चीज़ है। इसके बटन की क्वालिटी, इसके क्रोम की क्वालिटी आपको पता चलती है चीज़ देख के। गाड़ी स्पेशियस है और मेरे ख्याल है परफेक्ट फैमिली कार है। कई आप देख सकते हैं ऊपर भी फुल ऑफ ऑप्शंस है, फुल ऑफ एक्सेसरीज है गाड़ी, और ये सनरूफ का है, इसके लिए लाइट्स का कंट्रोल है। और ये कि मैं यही कहूँ इसके बारे में, गाड़ी परफेक्ट फैमिली कार है। अगर आपका बजट है, ये तो खैर आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी शायद, ये जो जिसकी जिनकी ये जिनके पास है वो यकीन माने वो बेचते नहीं है गाड़ियाँ, इन गाड़ियों के बारे में ये बात सच है, जिसके पास हैं वो बेचते नहीं है। प्राइस का ताल्लुक है, जहाँ तक
तो ये गाड़ी की प्राइस इस टाइम तकरीबन आप कह लें 24 से 25 लाख रुपए है, क्योंकि ये शौक, ये रेयर गाड़ी है और ये जिसके पास है उसकी अपने मर्जी की प्राइस है। इसके मैंने ये भी सुना है कि 27 से 28 लाख रुपए भी लोग गाड़ी में मांग रहे हैं इस गाड़ी का। और इसमें नई प्रियस है वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, नई प्रियस जो इसकी नई शेप है अगर आप देखें वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का सोलर पैनल वाली प्रियस का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की इसके बारे में काफ़ी कुछ बताऊँ और काफ़ी पॉइंट्स अभी मिस हो गए होंगे। बाकी यही है कि कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी अच्छी अच्छी और वीडियोस लाते रहेंगे। और इस गाड़ी का मैंने पहले भी रिव्यू किया बट ये इस गाड़ी स्पेशल थी जो मुझे खींच के लाई है यहाँ तक। और यही है कि मैं यही कहता हूँ कमेंट लाजमी करें, लाइक करें, फेसबुक पर शेयर करें और कुछ चीज़ों लाजमी बताएं। नेगेटिव कमेंट प्लीज़ ना किया करें क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं, नाम आपको पता है फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। और ये है कि क्योंकि हमारा मकसद अवेयरनेस का है, चीज़ों का बताना है, अवेयरनेस का है गाड़ियों के बारे में। और यही है कि जो चीज़ है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। और इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दुआ में याद रखिएगा, ऐसे अच्छे अच्छे और रिव्यूज़ लाते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।